गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के मेले के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। आज जानेंगे श्रावणी मेला। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, श्रावणी मेला सावन के महीने में होता है और यह जो है पूरी सावन तक शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। कहाँ? देवघर के बैद्यनाथ धाम में। और कहा जाता है कि इसे बेजू ने ही खोजा था और इस मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह विश्व का सबसे लंबा मेला है और सबसे बड़ा मेला है। लंबा बड़ा कैसे? तो 168 किलोमीटर दूर से, कहने का मतलब सुल्तानगंज से लोग जल भरते हैं और वहां से लेके 168 किलोमीटर तक चल के आके और शिव जी पे अभिषेक करते हैं। तो ये वहां से लेकर के आपके देवघर तक का मेला है, इसलिए इसे कहते हैं सबसे लंबा मेला और सबसे बड़ा मेला, क्योंकि ये एक महीना तक चलता है। सावन माह में सुल्तानगंज से जल भरते हैं और इसी के कारण ये श्रावणी मेला सबसे लंबा मेला। नेक्स्ट है हाथी माँ, हाथी यानी हाथी माँ, हाथी माँ पत्थर मेला। ये लगता है आपके बोकारो फुसरो में दामोदर नदी के किनारे, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे मकर संक्रांति में। इसकी छोटी सी कहानी, कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक राजा जब अपने बेटा का बराती लेके जा रहा था तो वह दामोदर नदी के किनारे पहुंचा। उसमें काफी उफान था, तो इस उफान के कारण राजा ने दामोदर नदी को प्रणाम किया और कहा, हे दामोदर नदी, यदि आप अपनी उफान कम कर दे, पानी कम कर दे, तो मैं अपने बेटे को बराती लेकर जाऊंगा और जब मैं उधर से लौट कर आऊंगा तब मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा। दामोदर नदी को अच्छा लगा यह बात, उसकी पूजा अर्चना को उन्होंने स्वीकार किया उस समय का और पानी की उफान कम हो गई। वह गया बराती लेके, शादी भी करके आया। जब लौटा तो उसी दामोदर नदी को उस राजा ने अवहेलना की, है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है, जो भी है वो बड़ा भुला भी कहा। तो उसके कारण क्या हुआ, वो सारे चीज पत्थर के हो गए। इसीलिए जो मतलब पालको जितने थे व्यक्ति कहते हैं पत्थर के हो गए, और उसी में था हाथी, हाथी भी पत्थर का हो गया और वो हाथी का जो है बहुत बड़ा था। तो अभी भी वहां आप जाइएगा तो बड़ा सा हाथी की आकृति का पत्थर है। और तभी से लेकर के अब तक ये मकर संक्रांति के दिन वहां पे मेला लगता है, सामूहिक रूप से लोग वहां पर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट है टूसु मेला। टूसु मेला जो है पंच परगना में मनाया जाता है। पहले पंच परगना में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये देखेंगे, राहे, सिल्ली, सोनहातो, बुंडू, तमाल, ये सभी रांची में है। और इसी तरह पंच परगना के क्षेत्र में इसको काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और किस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा मनाते हैं, तो वह है कुर्मी जाति के लोग। मकर संक्रांति में यह भी होता है, ये टूसु कन्या की स्मृति में इस मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बुढ़ई मेला। बुढ़ई मेला कोई नवा अन्न मेला कहा जाता है, नवा यानी नया अन्न का मेला। तो ये बुढ़ई मेला जो है ये बुढ़ेश्वरी मंदिर है। कहाँ है ये बुढ़ेश्वरी मंदिर? बुढ़ई ग्राम में है, देवघर में। तो यहीं पे नया अन्न का जो निकलता है वो बुढ़ई मंदिर में चढ़ाया जाता है। बुढ़ई ग्राम में ही है, देवघर में ये पास है और यहाँ पे ये मेला लगता है। ये कब लगता है? अगहन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को, 3 से 5 दिन तक का ये मेला है। नेक्स्ट है तुर्की मेला। तुर्की मेला चाईबासा में है, सिर्फ इतना ही जानना है। देवो उद्धार मेला रांची में है। सबसे ज्यादा यदि किसी जिला में मेला लगता है तो वो है आपका रांची। देखिए यहाँ से मैंने सारे रांची के भाग को लिया है। देवोत्थान मेला रांची, रानी चुम्मा मेला रांची। रानी चुम्मा मेला की खास बात क्या है कि ये मकर संक्रांति में तो होता ही है, साथ में ये रानी चुम्मा मेला शहर में आयोजित होता है। फिर उसके बाद रथ यात्रा। रथ यात्रा काफी प्रमुख है। ये रथ यात्रा आपके हटिया रांची में है, एक जगन्नाथपुरी जगन्नाथ ग्राम में, यानी कि वहां पे जगन्नाथ पुरी कहा जाता है उस जगह को। क्यों? क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में किस भगवान का होता है? तो कृष्ण जी होते हैं, बलराम होते हैं और उसकी बहन सुभद्रा होती है।
तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो ठीक उसी तरह आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय को रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा में क्या होता है कि जो मंदिर है वहां ये जगन्नाथ पुरी का, वो सॉरी मैं तो उतना अच्छे से नहीं बना पाऊंगी, चलिए ठीक है, वो जो मंदिर है कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का, वो मंदिर वहां से रथ यात्रा निकलता है। रथ यात्रा कहाँ निकल के जाता है? मौसी बारी यानी बारी माने घर होता है, वो पहाड़ पर ही है थोड़ी ही दूर में। तो वही जो यात्रा निकलता है वही एक मेला का रूप लेता है, और उस ढंग से वो मेला आयोजन होता है। फिर वो 8 दिन 9 दिन 17 दिन जितना दिन रहते हैं, 17 दिन मेरे ख्याल से रहते हैं, मैंने यह नहीं लिखा, तो वो 7 दिन या 9 दिन के बाद जब वापस आते हैं तो अब जाकर के उसे कहा जाता है घूरती रथ यात्रा। तो इस ढंग से यहाँ पे रथ यात्रा का मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है नवी डोल मेला। नवी यानी नौ, डोल यानी डोलना, और मेला क्या है भाई? ये टाटे सिलवई रांची में। इसमें क्या कहानी है कि ये चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नवी के दिन टाटे सिलवई में राधा कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को झूले पे झूलाया जाता है। तो ये डोलने के कारण इसका डोल यहां से वर्ड आ गया, और ये नवी को होता है इसलिए ये नवी डोल मिला है। नेक्स्ट है सरहुल मेला। सरहुल बोलने से सबसे प्रमुख पर्व जो है झारखंड का सरहुल, वो भी आ जाता है। ये मनाया कब जाता है? चैत शुक्ल तृतीया, ठीक है। और जो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जान लीजिए, जैसे कि देखिए मुंडा जनजाति मुख्य रूप से ये सरहुल होता है मुख्य रूप से, और कहाँ होगा? तो रांची में। तो जैसे ये जो चारों हैं बसंत उत्सव मनाते हैं, तो सरहुल के रूप में कौन मनाया? मुंडा। खद्दे के रूप में कौन मनाया? उरांव। बा के रूप में कौन मनाया? संथाल। जोकोर के रूप में कौन मनाया? खरिया। इसी तरह से ये लोग जो बसंतो उत्सव मनाते हैं चैत शुक्ल तृतीया को, वही है आप लोग का सरहुल मेला। तो अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रश्न क्या बनते हैं। तो पहला प्रमुख क्वेश्चन यही हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा और लंबा मेला कौन है? तो वो है श्रावणी मेला। कब लगेगा? सावन में लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, हाथीमा पत्थर मेला कहाँ? बोकारो, या बैरमो भी आ जाए या फुसरो भी आ जाए, सभी एक है, या टिक लगा सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे। फिर मकर संक्रांति में टूसु मेला प्रमुख कहाँ मनाया जाता? पंच परगना में, ठीक है, टूसु कन्या की स्मृति में। मुख्य रूप से कौन सी जाति मनाएगी? कुर्मी जाति। बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला बुढ़े ग्राम, बुढ़ेश्वरी मंदिर, देवघर, ठीक है, अगर माँ के शुक्ल पक्ष के पंचमी में। तुर्की मेला चाईबासा में। देवो उत्थान मेला यानी देवी का जो उत्थान है, ये कह सकते तो वो रांची में। रानी चुम्मा मेला रांची में, और मकर संक्रांति शहर में, मकर संक्रांति में मनाया जाता है, और यह मुख्य रूप से शहर में मनाया जाता है। रथ यात्रा मेला यानी रथ यात्रा तो बोलने से ही आ जाता है कि ये जगन्नाथ जी का, तो ये जगन्नाथ जी का है, तो जगन्नाथपुर भी जगह का नाम है, कहाँ? रांची हटिया। और उसके बाद एक चीज थोड़ा सा मतलब माइंड में रखिएगा, जब रथ यात्रा घूरता है तो मतलब फिर से जब वापिस आते हैं तीनों तो उसको कहते हैं घूरती रथ यात्रा। नवी डोल मेला टाटी सिलवई रांची में। सरहुल मेला ये भी रांची में ही है, और किसके द्वारा? मुंडा के द्वारा। कब? चैत शुक्ल तृतीय। इसको याद करने का तरीका चैत सूत्री कर दीजिएगा, चैत सूत्री यानी चैत शुक्ल तृतीय, ये इसका मतलब जो डेट है ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इस ढंग से आप लोगों ने जोकर यदि पूछा जाए, जोकर ब्रैकेट में लिख दे सरहुल कौन मनाता है, तो खरिया, बा, संथाल, खद्दी, उरांव और सरहुल मंडा। इस तरह से मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो मैं लेकर के आई, और मेरे ख्याल से मेले से एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू।